एक लड़के ने अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ा, एक लड़का अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने गया, उसकी माँ ने आवाज के पीछे से आवाज मारे का बेटा सुन सुन, बेटा लौट क्या बोला क्या, उसकी माँ ने कहा कि मुझे तो सजा मिलनी थी, मुझे सजा मिलनी थी। लड़के ने कहा किस बात की, उसकी माँ ने कहा कि मैंने मेरे चक्कर में, लड़के के चक्कर में अपने पेट से चार बेटियों को मरवा दिया, तो उन बेटियों का श्राप लगना था, तो आज मैं वृद्धाश्रम में हूँ, ये श्राप लगा मुझे। अगर बात सही से तो कोई भी बेटी माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं छोड़ती, ध्यान रखना, बेटी नहीं छोड़ती, जब बहू बन के जाती तभी छोड़ती है। कोई भी लड़का जब तक तुम्हारा रहता तब तक अपने माँ बाप के बारे में सोचता रहता है, जब शादी हो जाती है तो बहुत तुरंत काम करना शुरू कर देती है। अरे सब कुछ अच्छा करो, सब कुछ अच्छा होगा, तो चीख चीख के कहती है मुझको मत मारो। बिल्कुल कड़वा, दुष्कर्म
कैसा ये दाग लगा रखा है, कैसा ये दाग लगा रखा है, ओ इस जग में क्या रख रहा है, और इस जग में क्या रखा है, पैसे का साथ सजा ताली बज जाए इस कमेटी के लिए। हमारे बड़े भैया गीतम सिंह यादव जी इस पूरी कमेटी का सम्मान करना चाहते हैं, उसके बाद ही मैं सभी झोले भरूंगा। पांच मिनट में कमेटी का बिल्कुल सम्मान, उसके बाद सभी झोले भरने। पीछे वाले आ गए, जरा फिर मौका दे रहा हूँ, उसके बाद मत कहना कि मौका नहीं दिया। हाँ जी आइए।